काम चूड़िया बना रहे हैं, जैसे ही घूंघट उतारा है तो क्या देखा है, बिल्कुल दोनों की एक ही सूरत, बिल्कुल दोनों की एक ही सूरत। लेकिन फर्क कितना है कि राधा जी गोरी हैं और कन्हैया सांवरे हैं। जब ललिता ने देखा तो ललिता चक्कर में पड़ गई, अरे तू तो बहना राधा सांवरी कैसे हो गई। और जब राधा को देखा तो ललिता कहने लगी, अरे राधा तू राधा है तो फिर ये कौन है। अब तो ललिता दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के कीर्ति के पास, अरे मैया कीर्ति, राधा का एक दूसरा नाम श्री जी भी है, अरे मैया कीर्ति अपने घर में दो श्री जी हो गई है, एक गोरी श्री जी है और एक सांवरी श्री जी है। महाराज अगर आप कभी गोवर्धन गए होंगे तो गोवर्धन में एक मंदिर बना है श्री जी का, जिसमें दोनों मूर्तियां एक हैं कि ब्रज मंडल में दो जगे दोनों एक ही नाम, एक गोरो एक सांवरो ना राधा ना श्याम। दोनों एक ही रंग के हैं, एक ही नाम है श्री जी, वो है गोरी श्री जी और ये है सांवरी श्री जी। महाराज मैया कीर्ति ने देखा कि मेरी राधा से मिलने के लिए कन्हैया ने इतना ढंग रचाया है तो मेरे भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया। कीर्ति मैया कहने लगी, राधा बेटी अब मैं तुझे कन्हैया से मिलने से कभी नहीं रोकूंगी। महाराज उसी दिन से मेरे भगवान कन्हैया की और राधा की मित्रता बढ़ती गई। लेकिन राधा की और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई इसके बारे में भी बड़ी विचित्र कथा है। राधा के साथ कृष्ण का नाम जुड़ता है लेकिन राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई। शादी भगवान ने रुक्मिणी के साथ की, सत्यभामा के साथ की, जामवंती के साथ की, लेकिन राधा के साथ शादी क्यों नहीं हुई। आज मैं अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हुए आगे कथा कहनी है क्योंकि समय का अभाव है। सुदामा चरित्र भी मुझे कहना है और भगवान की राधा के साथ शादी क्यों नहीं हुई, बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन कभी समय मिलेगा तो इसको भी सुनाऊंगा। लिखते रहना मेरे पॉइंटों को, कभी अवसर मिले तो मेरे सामने चिट्ठे को लिख देना और कहना तुमने वादा किया था एक भागवत में कि मैं इन कथाओं को सुनाऊंगा, अब सुनाओ इन कथाओं को। मैं इस व्यासगंज से वादा करता हूँ आपको संपूर्ण कथाएं सुना के जाऊंगा जिनको मैं वादा करता हूँ। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की।